यूपी के झांसी में वैसे तो बुंदेलखंड कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहां का अन्नदाता किसान आज खाद के लिए मारा मारा फिर रहा है, क्योंकि झांसी जिले के कई जगह खाद उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए किसान मारा मारा फिर रहा है। उसे आस है शायद खाद आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। इसी उम्मीद में किसान सुबह से लाइन में लग जाता है। आपको बता दें कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। इस समय खेती किसानी करने वालों को खेत की बुआई की चिंता सताने लगती है, जिसके लिए खेती में उपयोग होने वाली खाद की भी जरूरत पड़ती है, जिसके बिना उनके खेतों की बुआई होना मुश्किल है। लेकिन जब महीनों हफ्तों लाइन में लगने के बाद भी खाद ना मिले तो आखिर में थकार के किसान बैठ जाता है और उसके पास फिर परिवार के भरण पोषण की चिंता सताने लगती है। कुछ यही हाल है झांसी के किसानों का, जहां कई दिनों से खाद के लिए चक्कर लगा रहे किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें खाद समय पर नहीं मिली तो वह फसल की बुवाई से वंचित हो जाएंगे। तो वहीं बड़ी बड़ी बातें करने वाले जिले के अधिकारी आखिर किसानों को खाद उपलब्ध कराने में क्यों नाकाम साबित हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो जिले के अधिकारी ही बता सकते हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर किसानों को खाद नहीं मिली तो वो उसके लिए आंदोलन करने को भी बाध्य होंगे। झांसी से गजेंद्र सिंह सिकरवार की रिपोर्ट। भाई का नाम आपको? कौन गांव से आई हो? क्या परेशानी भाई? खाद नहीं मिला हुआ। क्या दिन से आ रहे हैं? 8 दिन से। कौन सी खाद लेने? डीएपी। खाद मिल नहीं रही? अब क्या कह रहे हैं? मर रहे थे। खाद की परेशानी है, लगा एक परेशानी है, उसका दौड़ाया 5 साल हो गए गांव को। पैदान भाव में पेंशन मिला, थी बाप ही नहीं मिला। सूखा रात के मिले थे 2,500 रुपया साल भाई भाई जात, हमें 1 रुपया भी नहीं मिले। और बहुत ज्यादा परेशान है हम, की ना जाओ की खा सुना, हमारा आदमी है नहीं है, लड़का है सो दो है, सो एक है, एक दिल्ली में रहती है, एक है सो ऊपर दौड़ाया। काय को आई भाई मऊरानीपुर? खात ले बे आए, वो खात खात 5 दिन के बैठे थे, न कलेवा न भी शाम के वो तो भी आई कलेवा, वो खात मिल नहीं रहा।